हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। ठंड में मुझे आइसक्रीम खाने का मन किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर में ही बनाया जाए। तो चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैं 10 रुपये वाला मैरीगोल्ड बिस्किट ले रही हूँ, क्योंकि इसका कोई फ्लेवर नहीं होता है, ये प्लेन बिस्किट होता है। अब इसका हम पाउडर बनाएंगे और ये देखिए पाउडर बन गया है। अब इसे हम अच्छे से छन्नी से छान लेंगे। और ये देखिए जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उसे मैं चम्मच से तोड़ रही हूँ। और छानने के बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। और ध्यान रखेंगे कि इसमें गुठली ना हो। थोड़ा सा और दूध लेने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारा बैटर जो है रेडी है। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया था और उसे मैं तब तक गर्म की जब तक ये आधा नहीं हो गया। और जब दूध आधा हो जाए तो इसमें मैंने जो बैटर बनाया था उसे हम डाल देंगे। और हाफ कटोरी शक्कर डालेंगे और इसे हम चलाते रहेंगे जिससे कि नीचे से ना लगे। और ये देखिए दूध जो है गाढ़ा होते जा रहा है। अब इसमें हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर का डाल सकते हैं, मेरे पास वनीला था इसलिए मैं यही डाल रही हूँ। और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है। और अब यहाँ पर मैं कलर के लिए 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो फूड कलर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 1 से 1.5 कटोरी मलाई डालूँगी, जो दूध के ऊपर जो मलाई होती है ना उसे मैं डाल रही हूँ। इससे आइसक्रीम का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर अब इस पेस्ट को हम ग्राइंड कर लेंगे जिससे कि जो भी गुठलियाँ हों वो पेस्ट बन जाए। और ये देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे मैंने इस पेस्ट को ग्राइंड कर लिया है। अब इस पेस्ट को हम एक कंटेनर में निकाल लेंगे और इसे 2 से 3 बार हम टैप कर लेंगे। इसके बाद इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। और ये देखिए 2 से 3 घंटे बाद मैंने फ्रीजर से निकाल कर फिर इसे मैं ग्राइंड करूँगी। ऐसा करने से इसमें आइस क्रिस्टल नहीं जमते हैं और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए कितना अच्छा बैटर बना हुआ है। अब इसे हम फिर से कंटेनर में डालकर 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ और टूटी फ्रूटी, और थोड़ा सा मेरे पास स्प्रिंकल्स थे जो मैं उसे भी डाल रही हूँ इसके ऊपर। यहाँ पर मैंने एक पन्नी लिया है ट्रांसपेरेंट और मैं इस कंटेनर के ही शेप का कट करूँगी। और ये देखिए हमें ऐसे ही कट करना है। कट करने के बाद हम इस आइसक्रीम के ऊपर इसे लगा देंगे। ऐसा करने से इसमें आइस क्रिस्टल नहीं जमते हैं। और ये देखिए हमारी आइसक्रीम जो है रेडी हो गई है। मैंने 5 से 6 घंटे बाद इसे निकाल लिया है। और ये देखिए मेरी आइसक्रीम कितनी अच्छी जमी हुई है। क्यों, आप लोगों को भी खाने का मन कर दिया ना। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।